आज हम देखेंगे नेक्स्ट सम स्पेशल इंटीग्रल्स. उसमें आपने देखिए रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, जब रूट में होते हैं पढ़े हुए हैं. आज हम अगर ये रेसिप्रोकल नहीं है, ऊपर ही है, तो कैसे निकालेंगे इसके हम फॉर्मूले के डेरिवेशंस देखेंगे. देखिए ये मुझे दिया हुआ है, इसका मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने समझा था कि अगर मुझे सिंगल फंक्शन मिलता है तो मैं इनटू वन करके बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा सकता हूं, है ना. तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनटू वन करके ये फॉर्मूला अब लगाएंगे. मैंने यहाँ पे क्या किया, इस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट फंक्शन यानी कि u मान लिया, और इस वन को मैंने v मान लिया, ठीक है ना. फॉर्मूला क्या है मेरे पास, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस ये फॉर्मूला है. वैसे भी u हम किसको लेते हैं, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना, या फिर जिसका इंटीग्रल नहीं है लेकिन डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं. तो मैंने इसको लिख लिया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और v की जगह हम लिख लेंगे वन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ u. u की जगह हम क्या लिख लेंगे, अगेन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस v की जगह लिख लेंगे वन डी एक्स, इतना कर लिया. लेट आई इज इक्वल टू, हमने ये लिखा. अब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स, यानी कि एक्स बन गया माइनस. देखिए रूट फंक्शन है, अब मैं इसका डेरिवेटिव आपको यहां पहले बताता हूं. डिफ्रेंसिएशन में हमने पढ़ा है रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, तो मैं इसको लिख लूंगा वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, रूट का काम खत्म. फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल में हमने ये पढ़ा था. रूट सॉल्व करने के बाद अब मुझे इसका डेरिवेटिव यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है. ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, बीच में माइनस का साइन तो उसको मैंने यहां लिख लिया. तो ये बेसिकली मुझे जीरो माइनस टू एक्स यानी कि माइनस टू एक्स, यानी कि मुझे रिजल्ट माइनस टू एक्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, टू एंड टू कैंसिल, तो माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये मिल रहा है. तो उस रिजल्ट को मैं यहां पे डाल दूंगा, है ना, माइनस वन का इंटीग्रल ये हो जाएगा. मैं एक्स को पहले लिख लेता हूं, माइनस और माइनस हो गया प्लस, एक्स और एक्स हो गया यहां तक समझ में आ गया. अब क्या किया जाए, देखिए यहां भी एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर. तो मैं काम करता हूं, ए स्क्वायर है ना, तो इस
एक्स स्क्वायर में मुझे ए स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए नीचे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस साइन, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, प्लस साइन। क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, इस माइनस को एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे भी माइनस एज इट इज रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे, है ना। हमने माइनस माइनस प्लस किया लेकिन उससे हमारी बात नहीं बन रही है, बात बिगड़ रही है, तो हम उस माइनस को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है ना। अब काम बन जाएगा, मैंने इस एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, यहां तक तो समझ में आ गया। आगे क्या किया जाए, ये एज इट इज रहेगा, इस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को हम पेयर कर लेते हैं, मतलब मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, ये पेयर को इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ ले लिया, डी एक्स लिख दिया, माइनस लिख लिया, ए स्क्वायर लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए मैं अगर इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानता हूँ तो नीचे मेरे पास अंडर रूट ऑफ टी है। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं तो ये हो जाएगा टी रूट टी, नीचे रूट टी बन जाएगा, टी कैंसिल, मुझे रूट टी मिल गया। मतलब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, अब देखिए ये तो हो गया, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इस ये मुझे क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ दिस थिंग, है ना। अच्छा एक गलती कर दी, ये मैंने प्लस लिख दिया था, ये एक्चुअली माइनस था, याद कीजिए माइनस माइनस हमने दो बार किया था, है ना, तो इसको माइनस लिखना था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, तो वो ठीक कर लीजिए, माइनस। अभी हमने समझा था रूट टी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को मैं बाहर लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये माइनस है, ये माइनस जब अंदर जाता तो एक्चुअली ये प्लस बनना था, वो मैंने मिस कर दिया था, तो इसको आप प्लस लिख लिए, लिख लीजिए ए स्क्वायर लिख लीजिए। और दिस इज बेसिकली वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी मुझे क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको आई लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन इसको क्या सपोज किया, आई, इस पोर्शन को मैंने लिख लिया आई, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इस आई को देखिए, ये आई इज इक्वल टू है, तो इस आई को मैं यहां शिफ्ट करूंगा, ये हो जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इतना समझ में आ गया. दिस आई एन आई बिकम्स ट्वाइस ऑफ आई. टू को मैं वहां शिफ्ट करता हूं, टू इसके नीचे आ जाएगा. टू इसके नीचे आ जाएगा. है ना, प्लस सी तो हम हमेशा लिखते हैं, वो हमने फॉर्मूले में नहीं लिखा था, यहां पे हम लिख लेंगे, है ना. तो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स बाय टू या हाफ एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. ठीक है ना, फॉर्मूला कैसे डिराइव किया ये आपने समझा. यहीं पे नाउ दिस वाज वन ऑफ द फॉर्मूला. दूसरा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसका फॉर्मूला देखिए कैसे हम डिराइव करेंगे. मेथड टेक्निक हमारी यही रहेगी, है ना, टेक्निक हमारी यही रहेगी. हमने क्या किया, इंटू वन एंड dx ले लिया, है ना, बाय पार्ट्स. इसको मैंने ले लिया u, इसको मैंने ले लिया v. फॉर्मूला है u इंटीग्रेट v, यानी कि du बाय dx, यानी कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी डी एक्स, यानी कि वन डी एक्स इस पूरे का डी एक्स. ये तो मैंने यू वी का फॉर्मूला लगा लिया, राइट. अब आगे देखिए, इंटीग्रल ऑफ वन हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा देखिए वन अपॉन टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यानी ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स. तो मुझे टू एक्स मिलेगा, टू एंड टू गेट्स कैंसल्ड, तो मुझे मिल जाएगा एक्स अपॉन. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स यानी कि एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. यहां तक तो हो गया, इसको मैं लिख लूंगा, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम. देखिए यहां पे क्या करना है, इस न्यूमरेटर को मुझे डिनोमिनेटर के जैसे बनाना है, मतलब मैं ए स्क्वायर एड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा. यहां तक समझ में आया. ये कर लिया, सेपरेट कर लेंगे. मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, है ना, ब्रैकेट लगाने से गड़बड़ी नहीं होगी. इसको मैंने इसके साथ ले लिया और ए स्क्वायर को मैं अलग ले लेता हूँ. ये हो जाएगा x रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी लिखिए, नॉट अ प्रॉब्लम. पीछे हमने समझा था अगर ऊपर रूट नहीं है, नीचे वही चीज रूट में है, तो वो सिर्फ ऊपर रूट यानी कि ये बच जाएगा.
और इसमें अगर मैं इस ए स्क्वायर को बाहर लेता तो ये वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है विच इज लॉग ऑफ मॉड, ठीक है ना, ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर, देखिए ये जो इंटीग्रल है ये मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल है, मैंने इसी से शुरुआत किया था, मतलब मैं इसको आई लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस आई ब्रैकेट के अंदर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड इतना हो गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं। माइनस आई प्लस ये आ गया, ये मुझे I इज इक्वल टू मिला था अब इस I को यहां शिफ्ट कर देते हैं तो ये I तो वहां चला गया, क्या बचा, ये मिल गया i प्लस आई यानी कि 2i। अब 2 को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, टू को जब मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा हाफ x, आप चाहे तो हाफ x लिखे या x बाई टू लिखे एक ही बात है। टू इसके नीचे भी आएगा, टू इसके नीचे भी आएगा, है ना, प्लस सी आप लिख लीजिए क्योंकि वो फॉर्मूले में होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला तो आपने देख लिया, नेक्स्ट डेरिवेशन देख लो आप, है ना, वो भी इजी है, आप लोगों को बन जाएगा वैसे तो। एक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अगेन मैं इसको क्या लूंगा, यू वी हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ वन हो जाएगा एक्स। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा मुझे टू एक्स मिलेगा, टू एंड टू गेट्स कैंसल्ड, इंटीग्रल ऑफ वन हो जाएगा एक्स, एक्स इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर लिया सारा, ठीक है ना। यहां पे मुझे क्या करना है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, मुझे माइनस को साथ में रखना है क्योंकि मुझे हमेशा नीचे जो दिया हुआ है उसके जैसा, है ना, डिनोमिनेटर में जो है उसके जैसा इसे बनाना होता है। तो एक्स को पहले लिख लिया
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, और ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज। इसको हम लिख लेंगे x टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर। ये चीज हमने पीछे समझी थी, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको मैं अगर बाहर लेता हूं तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग। ये मिल गया। अब यहीं पे देखिए, ये जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो मैं इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये आई बन गया, ये हो गया ए स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा, ये तो माइनस बन गया, ये भी माइनस बनेगा, ठीक है ना। किसकी वैल्यू थी ये, आई को यहां शिफ्ट कर दो, आई प्लस आई यानी कि टू आई, टू आई है, लेकिन मुझे आई चाहिए था, मैं टू को यहां और यहां दे देता हूं। ये फॉर्मूला बन गया किसका, आई का, है ना। हम देखिए, इनिशियली हमने प्लस सी नहीं लिखा था, लेकिन लास्ट में हमने प्लस सी लिख दिया है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम हमेशा प्लस सी लिखते हैं, तो लास्ट में आप ऐड कर देंगे, है ना। तो ये हमने देखा आज, है ना, स्पेशल इंटीग्रल्स। अब इसके क्वेश्चंस, है ना, आगे हम देखेंगे जो हमने फॉर्मूले समझे थे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके क्वेश्चंस हमें किस टाइप के मिल सकते हैं। और देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। पीछे आपने अभी तक, मैं समझता हूँ, इंटीग्रेशन में इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं इसमें अगर कुछ बेसिक आपको एग्जांपल्स दे दूँ, है ना, तो आप कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, 16x स्क्वायर एंड 25। अब देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, तो मुझे सबसे पहले 16 को हटाना पड़ेगा। मैं कॉमन ले लेता हूँ, पीछे हमने ये टेक्निक पढ़ी हुई है, मैंने कॉमन लिया। अब इसके पास तो 16 नहीं है, जिसके पास नहीं होता है हम उसको दे देते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में देते हैं, ठीक है ना। अब ये 16 रूट के बाहर चले जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 को मैं इंटीग्रेशन के सिंबल के भी बाहर ले लेता हूं, है ना। रूट के अंदर मेरे पास एक्स स्क्वायर और 25 अपॉन 16, है ना, इसको 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ऐसे भी रहने देते हैं। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, मुझे बस ये ध्यान रखना है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज एक्स बाय टू ये फॉर्मूला है ना, एक्स बाय टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पे
एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो x x ही रहेगा, x बाई टू एज इट इज रहेगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा, ए स्क्वायर की जगह 25/16 लिख लूंगा, प्लस का साइन, ए स्क्वायर मिला मुझे, यानी कि 25/16 अपॉन टू, लॉग लिख लूंगा, मॉड लिख लूंगा, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना था, प्लस सी, तो मुझे लिखना ही है, ये सारे के सारे में क्या था, 4 कॉमन था, तो मैं 4 इज कॉमन टू ऑल, है ना, सी को हम उस 4 कॉमन 4 से अलग कर लेंगे, बस और तो कुछ करना नहीं है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया, है ना, बस मुझे फॉर्मूले को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। तो 4 इंटू एक्स बाई टू ये हो जाएगा 2x, है ना, 4 इंटू टू तो सिर्फ 4 और 2 डिवाइड जब होंगे 2x बचेगा। अब आप चाहे तो इस 16 को यहाँ मल्टीप्लाई करके 4 बाहर ला सकते हैं, ये सारे का सारा रूट में है, ध्यान रखना है, है ना, उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 16 टू ज़ा 32, है ना, और 4 8 ज़ा 32, ये हमारा रिजल्ट आ गया, राइट। वहीं पे देखिए, अगर आपको माइनस मिलता, है ना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को खाली करना है, 4 में कॉमन ले लूंगा, 5 के पास तो है ही नहीं, तो हम उसको दे देते हैं, 4 रूट के बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना, 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस 5/4 को हम ए स्क्वायर में कन्वर्ट भी नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ साइन के केस में कन्वर्ट करना होता, बाकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, क्या होता है, एक्स बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, बस लगा लीजिए फॉर्मूला, x की जगह x रहेगा, अब देखिए 2 इज कॉमन टू ऑल, x की जगह x अपॉन 2 लिख लिया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लूंगा, बीच में माइनस का साइन, क्योंकि ए स्क्वायर है, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लूंगा, है ना, अपॉन टू है तो इनटू मैं हाफ कर लेता हूं, है ना, कंफ्यूजन कभी भी होता है तो ऐसे कर लीजिए, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसकी जगह मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लूंगा, बस देखिए सिर्फ कॉपी कर रहा हूं और तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, प्लस सी तो हम हमेशा लिखते ही हैं, 2 को अंदर ले जाइए, 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड, ये x हो जाएगा, 2 एंड 2 गेट्स कैंसल, 5 अपॉन 4 बचा, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। यहीं पे देखिए, सिर्फ साइन है जहां पे हमें, है ना, मैं साइन वाला केस यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला केस आपको बताता हूं,
ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको, अभी तक तो हम नहीं कर रहे थे लेकिन अब मैं यहाँ पे, नहीं भी करेंगे तो लास्ट में आपको बस अटेंशन रखना और कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। इसके भी फॉर्मूलेस क्या कीजिए, आप लिस्ट बना लीजिए, है ना, उसको देख देख के क्वेश्चन कीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ना, यही है ना फॉर्मूला। बस फॉर्मूले को फॉलो करना है, ए स्क्वायर की जगह थ्री स्क्वायर है। देखिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स बाय टू ये तो ऐसे ही रहेगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर नाइन, है ना, जो क्वेश्चन है उसको मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, बीच में प्लस का साइन, ए स्क्वायर बाय टू यानी कि थ्री का स्क्वायर नाइन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है, यहां पे मुझे बस थ्री लिखना है, बाकी तो सब एज इट इज रहेगा। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया, है ना, तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस में वेरिएशन कैसे आते हैं और उनको हमें क्या करना है या कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं भी करूँगा, आप फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, जस्ट मैं हालांकि वो भी नहीं भी बताऊँ चलेगा, आपने अभी तक जो चीज़ समझे हैं उसमें, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ई एक्स को टी पुट करेंगे तो ई एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। ये ई एक्स और डी एक्स मिलके बन गया डी टी, रूट के अंदर मेरे पास आ जाएगा ई एक्स, अगर टी है तो मुझे मालूम होना चाहिए e पावर 2x जो है t स्क्वायर बन जाता है, यानी ये t स्क्वायर माइनस 1 बन गया। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। इसी में फिर देखिए आपको, और मतलब यहाँ पे हमने किया क्या, सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करने से ये वो जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म था उसमें आ गया। लाइक ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ठीक है ना, यहां पे देखिए न्यूमरेटर लॉग के रूट के अंदर है, डिनोमिनेटर रूट के अंदर नहीं है। लॉग एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूं तो वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी बन रहा है, बहुत सिंपल है। ये वन अपॉन एक्स और ये जो डी एक्स है ये दोनों मिलके डी टी बन जाएंगे, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपने लॉग एक्स को टी पुट किया, वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस लॉग को मैंने टी पुट किया था तो ये बन गया टी स्क्वायर, ये एक्स और डी एक्स बन गया डी टी। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है ना, आगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज सिंपल, यहीं पे जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, लेट्स से 3 ऐसा क्वेश्चन दिया, तो एक्स फोर इज एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मुझे मालूम है अगर मैं टी पुट करता हूं तो एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी का हाफ, है ना, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द नंबर। मैंने यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, 2x dx बन गया dt, दैट मीन्स ये x और dx मिलके बन जाएगा dt अपॉन 2, क्योंकि ये 2 है मुझे इसे हटाना है। रूट के अंदर मुझे क्या मिल गया, इसको t स्क्वायर लिख लेंगे, 3 को हम 3 रहने देते हैं,
अब इसमें मुझे फॉर्मूला लगा लेना है, दैट्स इट, है ना, सिंपल है ना ये। इसमें अब मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिलते हैं वो बता देता हूँ, अदरवाइज यू आर गुड टू गो। ये कोई बहुत टफ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला आपको सही लगाना है, दैट्स इट। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, हालांकि इसका कन्वर्जन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द ओनली थिंग आई हैव टू डू हियर इज, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इसको, है ना, कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी हमने देखा था, वी ऑलवेज टेक एक्स स्क्वायर एंड एक्स टूगेदर। फिर उसमें हमने एक रूल ये भी समझा था, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन नहीं होना चाहिए, तो आई टेक दिस माइनस कॉमन, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर तो प्लस बन गया, लेकिन ये टू एक्स जो है नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, एक्स का कोफिशियंट जो भी है उसके हाफ का स्क्वायर, एक्स का कोफिशियंट है टू, उसका हाफ है वन, उसका स्क्वायर है वन, वो मुझे एड और सब्ट्रैक्ट करना है। एड वाला पोर्शन में यहाँ रखूंगा, सब्ट्रैक्ट वाला पोर्शन में यहाँ रखूंगा, लेकिन देखिए ये भी मैं पीछे समझा चुका हूँ कि इफ़ आई ओपन दिस ब्रैकेट, ये प्लस नहीं हो रहा है लेकिन माइनस हो रहा है, तो इसीलिए मुझे इस थ्री के साथ प्लस वन लिखना है, है ना, ये भी हम पीछे फॉर्म में समझ चुके हैं। सो दिस बेसिकली बिकम्स थ्री प्लस वन यानी कि फोर, एंड दिस इज एक्स माइनस वन, है ना, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, हाँ, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा लीजिए एंड यू हैव योर आंसर, राइट।